जालौर के भीनबाल थाना क्षेत्र के दातीवास गांव के पास खड़े ट्रक को बजरी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रक के पीछे सो रही दो महिलाओं और एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये मजदूर महिलाएं टेलीफोन लाइन बिछाने का काम करते हैं, वहीं बांसवाड़ा जिले के निवासी बताए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आते ही पोस्टमार्टम करवाकर तीनों के शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ट्रक खड़ा है, उस ट्रक में मजदूर रात के टाइम जेंट्स ऊपर सोते हैं, औरतें वगैरह नीचे सोती है, अंदर सोती है, लेकिन कल गर्मी ज्यादा थी इसलिए दो औरतें और एक बच्ची नीचे सो रही थी ट्रक के पीछे। रात के 3:30 बजे की बात है, उसमें कोई बजरी से भरा हुआ ओवरलोड ट्रक आया और उसने गलत साइड में जाकर उस ट्रक को सामने से टक्कर मारी। उससे वो जो ट्रक पहले से खड़ा था वो 10-12 फीट पीछे सरक गया, जिससे जो औरतें पीछे सो रही थी, दो औरतें थी और एक बच्ची थी 5-6 महीने की, उनके ऊपर वो चढ़ गया और टायरों के नीचे दब